गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर यूनिट 7, दैट इज़ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास। ये सबसे पहला पार्ट है जिसमें हम देखेंगे टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच के बारे में, तकनीकी वैज्ञानिक उपागम के बारे में पढ़ेंगे और टेलर मॉडल, टाइलर प्रतिमान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच, तकनीकी वैज्ञानिक उपागम, हम इसे क्यों बोलते हैं टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड सो टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच बिकॉज इट इज़ एज इफ वी आर एक्सपेरिमेंटिंग इन अ लेबोरेटरी, फॉर्मिंग एन ऑब्जेक्टिव, यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इन गेटिंग द आउटकम एंड फाइनली इवेल्युएटिंग इफ द सॉल्यूशन इज रियली एप्लीकेबल टू रियल लाइफ सिचुएशन। इसे तकनीकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है क्योंकि यह ऐसा है जैसे हम एक प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं, एक उद्देश्य बना रहे हैं, परिणाम प्राप्त करने के लिए कदम दर कदम दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं और अंत में मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या समाधान वास्तव में वास्तविक परिस्थितियों पर लागू होता है। देखिए, टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच में हम इसे टेक्निकल और साइंटिफिक क्यों बोल रहे हैं कि साइंटिफिक आप कंसेप्ट पहले भी जानते हैं साइंटिफिक का, कि जब भी हम साइंस की बात करते हैं, कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो भी स्टेप्स होंगे वो कैसे होंगे, वन बाय वन, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में फॉलो किए जाते हैं, इसलिए इसको साइंटिफिक और टेक्निकल वर्ड दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि अगर हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो काम का एक प्रोसीजर होता है, उसके कुछ स्टेप होते हैं जो कि हम एक एक करके फॉलो करते हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनको हम इवेलुएट करते हैं। इसके बाद हम इसे ये बोल रहे हैं कि जो भी आउटकम्स हैं वो आउटकम्स क्या हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, हम ये इवेल्यूएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल और साइंटिफिक वे में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको टेक्निकल और साइंटिफिक अप्रोच कहा गया है। ओके, अब यहाँ पे जो करिकुलम होगा, करिकुलम का जो कंटेंट होगा, जो साइंटिफिक अप्रोच या टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच में आएगा वो किस तरह का होगा। देखिए, करिकुलम इज़ ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल एंड लॉजिकल, मीन्स जो पाठ्यचर्या है वो वास्तुनिष्ठ होगी, सार्वभौमिक होगी और तार्किक होगी। ऑफकोर्स ये बात है, अगर वो साइंटिफिक है मीन्स देयर इज सम लॉजिक, वहाँ पे जो भी कंटेंट रखा जाएगा, जिस तरीके से अरेंज किया जाएगा वो साइंटिफिक वे में होगा, वो उसमें एक लॉजिक होगा। साथ ही हम यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम यहाँ पे किसी भी टर्म के बारे में बात करते हैं तो वो सभी जगह उस टर्म का मीनिंग वही है, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल बोल रहे हैं। देन ऑफकोर्स हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और यहाँ पे जो भी काम होता है वो ऑब्जेक्टिव वे में होता है, ना कि सब्जेक्टिव, मीन्स उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होगी। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट है, रियलिटी कैन बी डिफाइंड एंड रिप्रेजेंटेड इन सिम्बॉलिक फॉर्म। जो वास्तविकता है वो प्रतीकात्मक रूप में परिभाषित और दर्शाया जा सकता है, क्योंकि हम साइंटिफिकली उसे हम डेली लाइफ से भी कनेक्ट करते हैं, तो रियलिटी में या रियलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपरली, और साथ ही हम उसे प्रैक्टिकली साबित भी कर सकते हैं, या वो प्रैक्टिकली हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो सबसे पहले कैन बी डिफाइंड, उसको डिफाइंड किया जा सकता है, क्योंकि वो लॉजिकल है, जो हम लिखेंगे वही प्रैक्टिकली हमें दिखेगा भी, और उसे हम सिम्बॉलिक वे में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है, एम्स ऑफ एजुकेशन कैन बी मेड नोन एंड बी एड्रेस्ड इन अ लीनियर फैशन। शिक्षा के उद्देश्यों को ज्ञात किया जा सकता है और एक रेखीय तरीके से संबोधित किया जा सकता है।
जो करिकुलम जब भी बनाया जाएगा, जब भी प्लान किया जाएगा, उसके जो कंटेंट हैं, उस कंटेंट के जो बेस होगा, वो बेस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स या एम्स होंगे हमारे, है ना? तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हो या जो भी आपने एम रखा है, उसको हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और उस वो किस तरीके से फॉलो किए जाएंगे? एक लीनियर वे में, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट स्टेप से सीधा थर्ड स्टेप पे आ जाएं, ठीक है? तो अगर हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ फॉलो करते हैं, तो वो हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक लीनियर फैशन, एक रेखीय जो तरीका है, उस तरीके से हम उसे फॉलो करेंगे, ठीक है? देखिए अब लास्ट वाला पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर इज़ इन द फोकस, मीन्स जो विषय वस्तु है वो क्या है? केंद्र में है। क्योंकि यहाँ जब साइंटिफिक या हम टेक्निकल साइंटिफिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी हम कंटेंट ले रहे हैं, हम उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है? सब्जेक्ट को या कंटेंट को हम ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, जो हमारा मटेरियल है, ठीक है? ये जो सारी चीज़ें थी, ये क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच की। अब नेक्स्ट, हियर द अप्रोच इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म अंडर द प्रेजेंट अप्रोच। देयर आर मैनी मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। यह उपागम तर्कवाद एवं अनुभववाद पर अधिक आश्रित है और प्रस्तुत उपागम के अंतर्गत पाठ्यचर्य विकास के अनेक प्रतिमान आते हैं, जैसे कि पहला है टाइलर मॉडल, सेकेंड इज हिल्डा टाबा मॉडल, थर्ड इज व्हीलर मॉडल, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम टाइलर मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। पाठ्यचर्य विकास के समस्त प्रतिमानों में सर्वाधिक ज्ञात टाइलर प्रतिमान है, जिसमें नियोजन सोपान पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षक उद्देश्यों के चयन प्रक्रिया के लिए टाइलर ने तर्क आधार दिए हैं। टाइलर मॉडल इज़ द मोस्ट नोन ऑफ ऑल द मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट विथ स्पेशल अटेंशन टू द प्लानिंग स्टेज। इसमें फोकस काय पे किया जाता है? जो नियोजन है या जो प्लानिंग वाली जो स्टेज है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि टाइलर ने पाठ्यचर्या विकास का व्यापक प्रतिमान प्रस्तावित किया है, किंतु उसके प्रतिमान के प्रथम भाग उद्देश्य के जो चयन है, जो भी हम सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव वहाँ पे करेंगे, प्रथम भाग ने शिक्षा शास्त्रियों का ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया है। मतलब ये जो स्टेप है जहाँ पे हम सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसी के वजह से जो मैक्सिमम जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ, इसमें इस तरह की बात कही गई है, ठीक है? ही हैज़ गिवन द रैशनल फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑल्दो टाइलर हैव प्रपोज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, बट द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिस मॉडल सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अट्रैक्टेड मच अटेंशन ऑफ एजुकेशनिस्ट। ठीक है, इसका जो सबसे पहला जो स्टेप है, उस पर बहुत ही फोकस किया गया है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। चलिए हम आगे देखते हैं।